गुजरात टाइटंस कर रही है बल्लेबाजी और 181 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। राहुल तेवतिया और शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं इस स्कोर को 200 के पार पहुंचाने का जिम्मा जो है वो संभाला है। अभी भी 8 गेंदें रहती हैं इस इनिंग में। बिल्कुल, 19वां ओवर चल रहा है, 2 गेंद बचे हुए हैं, इस ओवर से ऑलरेडी 10 3 13 और 2 15 रन आ चुके हैं जी। और आज शुभमन गिल हाईलाइट रहने वाले, जिस हिसाब से बैटिंग करी और जीटी फैंस का कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा। 200 के पार ही बता दिया स्कोर को, बट जैसे हर्षल पटेल बॉलिंग कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। ये फाइनली एक अच्छी बॉल डाली हर्षल पटेल ने, लेकिन ओवर बहुत खराब जाता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बढ़िया चीज जो देखने को मिली, गिल ने जो टेम्परामेंट दिखाया आज की इस पारी में, जिस तरीके से कमेंटेटर से भी बात कर रहे थे कि वन ऑफ द मैच्योर नॉक्स आईपीएल की अगर कहेंगे, 100 भी लगा चुके हैं इस मैदान पर, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ बैकअप रहता था, बाकी खिलाड़ी आपके लिए सभी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गिल ने जो जिम्मेदारी उठाई, विलियमसन की एंट्री हुई थी, एक्सपीरियंस लग रहा था कि एंट्री हुई है तो वो एंकरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी तरीके से आज भी डिपेंडेंसी नजर आई है शुभमन गिल के लिए। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा यही था कि शुभमन गिल ने वो पॉजिटिव जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी उसको पूरा भी करा है, निभाया है, और जिस तरीके से बाद में आकर एक्सेलरेट करी है ये पारी, वो कमाल की रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, अभी भी नाबाद है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ जब तेवतिया हैं उन्होंने भी धुआंधार बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं, जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है बल्लेबाजी में, एक हाफ सेंचुरी आई थी, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, छक्कों और चौकियों में ही बात करते हैं, सिंगल मतलब इनके दिमाग में रहता है, वही काम है राहुल तेवतिया का। अभी तक जीटी के लिए हाईएस्ट बॉल इन्होंने 26 खेली है, तो एक फिनिशर का रोल निभाना है, और वाइड वाइड एक और वाइड, इस ओवर में तीसरी वाइड आ चुकी है और 2 बॉलें अभी भी बाकी है, और रन्स का भरमार ऑलरेडी लग चुका है, 9 गेंद का ओवर बन चुका है ऑलरेडी है हर्षल पटेल के लिए, जिस तरीके से 3 वाइट आ चुकी है अभी भी, और अभी भी 2 गेंद बाकी हैं, और काफी महंगा ओवर भी गया है, बहुत महंगा सेकंड लास्ट गेंद, और ये बल्ला तो घुमा दिया तेवतिया ने, चार तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 ले लेंगे शायद, एक ही लिया, सिंगल लिया, सिंगल, आखिरी बॉल तो है शुभमन गिल, 17 रन आ चुके हैं इस ओवर से अभी तक, एक गेंद, और आज कमेंडेबल बैटिंग जिस हिसाब से शुभमन गिल भाई ओपनिंग करने आए थे। आज बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पर भी बात करेंगे भाई, जो गुजरात टाइटंस के लिए वर्क करे, साई सुदर्शन आज बहुत कमाल की बैटिंग करके गए, बट गिल स्टैंडिंग डेथ ओवर्स में स्टार्टिंग में आए थे और फिर अभी भी वहां पे टिके हुए हैं 19वें ओवर में। दिस इज समथिंग डेंजरस फॉर पंजाब किंग्स जिस हिसाब से, क्योंकि फिर वो 16वें से 20वें ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 30 बॉल खेलने के बाद ही कुछ अलग हिट हो जाता है। 82 पे खेल रहे हैं फिलहाल, 44 बॉल खेल चुके हैं, क्या लगता है श्वेता, शतक तो आ रहा है गिल का आज? पता नहीं, देखना होगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि गेंदें बहुत कम बची हैं एक्चुअली। बिल्कुल, गेंद का मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर है, आखिरी बॉल खेल रहे हैं शुभमन गिल, और बल्ला घुमा दिया, जान लगा दिया, चौका जाएगा लग तो रहा है, लेकिन फील्डर ने रोक लिया, चलिए सैम करन ने लगा दिया पूरा, डबल तो आ जाएगा, डबल तो आएगा, और ट्रिपल के बाद मुझे रन आउट ना हो जाए, और यहां पे रन आउट का क्लोज कॉल हो सकता है, तो गए हैं पर देखना पड़ेगा, देखना होगा, काफी क्लोज हो चुका है मामला, कहीं ना कहीं गिल जो है अहमदाबाद में वापसी हुई है भाई आज गुजरात टाइटंस की, 184 19वें ओवर में, और अभी भी एक ओवर बाकी है, कमाल की बैटिंग करी है, 168 का कर्ज तोड़ा, और अहमदाबाद की पिच को अहमदाबाद की पिच की तरह ही ट्रीट करा है आज, जिस हिसाब से बैटिंग करी है, नॉट आउट, दिख रहा था, लेकिन आज बहुत कमाल की गुजरात टाइटंस की बैटिंग रही है, अहमदाबाद में फाइनली वापसी हुई है, अब उस पर बात आएगी सारी की भाई पंजाब किंग्स ये चेस करने की सोच रहे, क्योंकि अब वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई वन ऑफ दी बेस्ट बिल्कुल नॉट आउट का डिसीजन, बहुत बढ़िया टारगेट आपके पास है, अहमदाबाद का हाईएस्ट टारगेट अभी तक का, बिल्कुल नॉट आउट का डिसीजन आ गया, और बहुत शानदार तरीके से रन लिया है दोनों तेवतिया और गिल ने, और 85 हो गया 85 पे आ गए, और अब चाहिए 15 रन अगर सेंचुरी बनानी है, बाकी टीम तो मतलब अच्छा स्कोर बना लिए फिलहाल, एक डिसीजन अच्छा लगा साई सुदर्शन को नीचे आके, और वो आपके लिए काम भी कर गया, बिल्कुल, लेकिन एक डिसीजन जो हर सीजन आपको देखने को मिलता है विजय शंकर, विजय शंकर की वो सवाल बना रहता है कि यार ये खिलाड़ी कब प्रदर्शन करेगा, जिस तरीके से श्वेता सेलिब्रेट कर रही थी, हमने देखा जीटी फैन जीटी की विकेट को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि वैसे भी वो आए थे तो बॉल ही वेस्ट होता है एक तरीके से, बस स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, अगर उनकी जगह आप वहां पे राहुल तेवतिया को भेज देते तो शायद इस स्कोर में थोड़ा सा और इजाफा, या फिर अजमत को भेज देते आप 428 ओवर, और ये लास्ट ओवर में कुछ वाइड और नो बॉल कुछ अलग ही डालते हैं, अलग ही प्रकार अलग ही रिश्ता है, लेकिन अभी तक 3 ओवर में बढ़िया बॉलिंग करी है भाई, 6.7 की इकोनॉमी है, मात्र 20 रन खाए हैं, और स्टार्टिंग में लेकिन ये जो ओवर है हो सकता है कि इकोनॉमी उनकी बदल दे, क्योंकि आखिरी ओवर से जो नाता रहा हर्षदीप सिंह का इकोनॉमी बदलती है, नो बॉल्स आते हैं, वाइट आते हैं, और ये घुमा दिया यहां पर गिल ने बल्ला, ये कह रहे हैं कि चाहिए हमें हरप्रीत बरार की अच्छी फील्डिंग यहां पर, एफर्ट तो बहुत डाल रहा है हरप्रीत, लेकिन 2 रन ले लिए हैं और गिल वापस आ चुके हैं स्ट्राइक पे, 87 रन, क्या बात है, बिल्कुल 87 पहुंच चुके हैं, 188 पे गुजरात टाइटंस का जो स्कोर है वो भी पहुंच चुका है, अब
200 क्रॉस तो मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए गुजरात टाइटंस को, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करी है और अच्छी हमने देखी है कि स्ट्राइक रोटेट बहुत अच्छे बल्लेबाजों के बीच में हुई है, और अभी भी देखिए आप यहाँ पे तो विकेट्स बहुत कम बच रहे हैं, अभी भी आपके हाथ में विकेट्स हैं वहाँ पे, अजबुल्ला उमर जई अभी नहीं आए बल्लेबाजी के, राशिद खान बच रहे हैं आपके पास अभी, तो फाइनली आज बल्लेबाजी का भी टेस्ट गुजरात टाइटंस का होगा, कहीं ना कहीं तैनात है चारों तरफ और ये जो है सिंगल से ही खुश रहना होगा यहाँ पर। अभी तक 3 रन इस ओवर से, पिछले से बहुत ज्यादा रन आए थे और आई गेस वो हाईएस्ट ही था पर डेथ ओवर में 20 रन 19 ओवर डाले हर्षल पटेल ने, बाकी 16 17 18 भी मेरे लिए डिसेंट ओवर्स हैं, 18 में 13 17 में 12 रन आया 16 ओवर 7 रन का अर्शदीप, और वहीं लास्ट में आ चुके हैं अर्शदीप, अब इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि वही लास्ट ओवर मोमेंटम, क्योंकि स्कोर तो आपने बढ़िया बनाया 189 आप पहुंचे हैं, 200 प्लस का जाने वाला है क्योंकि अभी भी 4 बॉल बची हुई है, अर्शदीप ने अभी तक 2 बॉलें बढ़िया डाली है, लेकिन अब चैलेंज डिफरेंट होगा क्योंकि भाई तेवतिया डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो है वो आज बिल्कुल स्ट्राइक उनके हाथ में और अर्शदीप तीसरी गेंद डालने वाले हैं, किस तरीके से तेवतिया प्रहार करेंगे वो देखने लायक बात होगी जी, क्योंकि जब बल्ला उनके हाथ में रहता है और डेथ ओवर में आखिरी ओवर है तो कहीं ना कहीं बाउंड्री पार जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है बिल्कुल, और ये तीसरी गेंद आखिरी ओवर की और बल्ला तो घुमा दिया, चौका तो जाना चाहिए और सिंगल लेंगे लग रहा है मुझे यहाँ पे, और ऐसी कुछ बॉल थी जहाँ राहुल तेवतिया ने छक्का मारा था खान का पिछले से पिछले, और तीनों बॉल मैंने मेरे ख्याल से तीनों ही लो फुल टॉस गई है, लेकिन अभी भी मतलब वो हिट बाउंड्री आती भी नहीं दिखी है बिल्कुल, कोई नहीं है, और दोबारा से गिल स्ट्राइक पे हैं, 2 छक्के से दूर है अपने सेंचुरी में अभी, माइंड में शायद तीन बॉल नहीं चल रही है ये वो कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना सकूं, बिल्कुल सेंचुरी अगर बना ले पर वो 2 छक्के जो आपने बात कर रहे थे वांशु, 2 छक्कों से जीटी 200 पार जा रही है, 2 छक्कों से 1 शतक आ रही है, सेंचुरी आ रही तो इंपॉर्टेंट है, पहली सेंचुरी से आईपीएल 2024 किसी चीज पे फोकस करे, सेंचुरी पे फोकस करे 200 पे फोकस करे, काम दोनों का ही होगा, और ये घुमा दिया है बल्लेबाज, फील्डर ढूंढ रहे हैं, करण जो है बार बार सुमन गिल की गेंद जो है चुम्बक की तरह पकड़ ले रहे हैं फिलहाल, तो ये हर जगह सैम करण नजर आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब गिल का 100 तो अब नहीं हो रहा है, अब कोई बात नहीं, अब तो नो बॉल मतलब इतनी उम्मीद है जीटी अर्शदीप, कोई बात नहीं स्कोर तो बढ़िया बन गया, यस स्कोर अच्छा बन गया, बहुत बढ़िया स्कोर, हर ओवर में अर्शदीप देते थे नो बॉल वाइड, अभी तक तो एक भी नहीं दी है, हर्षल पटेल ने अच्छी इंप्रूवमेंट है, हर्षल पटेल ने उनके हिस्से का भी वाइड डाल दिया ना, यस सर, इस आईपीएल 2024 का बेस्ट स्कोर आ चुका है, और वही है कि भाई गिल और अहमदाबाद वो चलेंगे तो फिर वो वहां के प्रिंस है, 89 नॉट आउट फिलहाल खेल रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिरी ओवर भी आप बढ़िया बना के जाए, मोमेंटम साथ लेके जाए, क्योंकि वो 19वें ओवर में आपने छीना है 20 रन से, लेकिन लीजिए तो आया 195 पर गाड़ी पहुंच चुकी है और अभी भी एक बॉल बाकी है, और क्या लगता है छक्का आ रहा है, एक 200 पार जा रही है गुजरात टाइटंस, तेवतिया स्ट्राइक पे तो छक्का जा सकता है चलिए वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक तो हर्षदीप ने डिसेंट ओवर डाले, पंजाब के लिहाजे से ये छक्का महंगा पड़ जाएगा, यस क्योंकि आखिरी 19वें और 20वें ओवर के रन है, ये जो 20 रन गए 19वें ओवर से, 195-96 और जब 200 का आंकड़ा पार होता है एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 200 का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है मेंटली अगर वो फिगर नजर आता है 200 बिल्कुल एवब, और ये आखिरी गेंद हर्षदीप डाल रहे हैं, चौका आ रहा है, छक्का आ रहा है, ये चौका, चलिए भाई 199 फॉर गुजरात टाइटंस, ओवर 200 वाला का फैक्टर इसकी बात करी थी, माइंडसेट में रहता है वो तो आ ही गया, आ गया भाई 199 200 आपको बनाना है, आज बैलेंस बैटिंग, लेकिन शुभमन गिल भाई कप्तानी पारी खेल के गए, स्टार ऑफ द इनिंग, और वही बात है अहमदाबाद में गिल चलेंगे तो भाई रिकॉर्ड तोड़ के जाएंगे, अभी तक का आईपीएल 2024 का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर वो इन्होंने बना दिया, और अहमदाबाद की वो पिच जो कहीं ना कहीं बॉलर्स को मदद दे रही थी, थोड़ी स्लो नजर आ रही थी बैट्समैन को, वो उतना फेवर नहीं कर रही थी, आई गेस क्वालिटी दिखाते हुए ओपनिंग करने गए थे, रिद्धिमान साहा का साथ नहीं मिला, केन विलियमसन के साथ पार्टनरशिप, फिर थ्रू आउट पार्टनरशिप रही है, और जो कमाल की कप्तानी करी है वहां पे बैटिंग करते वक्त भी, साई से बात कर रहे थे बीच ओवर्स केन विलियमसन के साथ थे, आई गेस एवरीथिंग वर्क्ड फॉर गुजरात टाइटंस टुनाइट, जिस हिसाब से वो बैलेंस नजर आया बैटिंग में, बीट केन विलियमसन, लेकिन आज राहुल तेवतिया भी फिनिश करके गए हैं बिल्कुल 199 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपनर आया और 20 ओवर पूरे खेल के गए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, देखा है अहमदाबाद में अगर गिल टिकेंगे तो फिर वो पारी आएगी जो अभी तक मिस कर रहे थे, पिछले में भी 30 प्लस गए थे, लेकिन कमाल की बैटिंग भाई विद कैप्टन गिल जो है, अब कॉन्फिडेंस गुजरात होती
पहले कैप्टनशिप आ रही कि आप ओपनिंग करने आए और मतलब नाबाद गए, जिस तरीके का 199 रन बनाया, 199 टीम पहुंची है, 89 अकेले शुभमन गिल अकेले बनाया, दैट इज प्योर डोमिनेशन और बढ़िया फ्रंट फुट पे बहुत अच्छी पोजीशन पर गुजरात टाइटंस, और जो बोलिंग इनके पास है वही फैंस का कॉन्फिडेंस रहता ही है, लो स्कोरिंग भी होगा तो भी डिफेंड करेंगे, लेकिन अब 199 तो आप ऑब्वियसली डिफेंड करने वाले हैं, घर का आपका ग्राउंड है, टॉस आपके हित में नहीं गया था लेकिन कुछ हित में गया तो वो बैटिंग गई आज बिल्कुल, और टोटल बहुत बढ़िया है क्योंकि इस पिच का नरेंद्र मोदी स्टेडियम का हाईएस्ट टोटल बन चुका है आईपीएल 2024 के सीजन का, क्योंकि अभी तक 168 था जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे और वो तोड़ना भी जरूरी था, तोड़ना जरूरी था, तोड़ दिया गया, और वो तोड़ने में भी हम भी बात कर रहे थे कि भाई डिपेंडेंसी है शुभमन गिल की बैटिंग पर, और आज शुभमन गिल चल गए तो भाई ओवरऑल देख लिया 199 तक पहुंच गई गुजरात टाइटंस, बहुत बढ़िया। लेकिन ओवरऑल आज बैटिंग स्कोर कार्ड पे भी बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पे बात कर रहे थे, केन विलियमसन की एंट्री इन द स्क्वाड, मिलर आपके पास नहीं है तो वो फिनिशिंग कहीं ना कहीं वीक नजर आ रही थी, लेकिन आज सब बढ़िया गया गुजरात टाइटंस के लिए, रिद्धिमान साहा जल्दी चले गए थे लेकिन उसके बाद बढ़िया, मतलब मेरे को लगता है आज जब केन विलियमसन को इन्होंने नंबर 3 पर भेजा तो वो स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई थी, क्योंकि साई सुदर्शन पिछले मैच भी स्पिन के अगेंस्ट टारगेट करके खेल रहे थे, बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, तो आई गेस वो बहुत क्लियर था कि अर्ली विकेट गिरेगी तो केन विलियमसन जाएंगे मे बी वहां पे, नहीं तो आप केन विलियमसन को नंबर 4 पर खिलाने वाले, लेकिन अर्ली विकेट गिरी, विलियमसन को आपने ऊपर भेज दिया, विलियमसन ने वहां पे पारी संभालने की कोशिश करी और जैसे ही विलियमसन आउट हुए सामने स्पिनर्स थे और सामने साई सुदर्शन थे, आज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट वहां पे आ गया, आज हमने सुदर्शन को गैंबल पाता है वो मतलब प्रेशर नंबर 4 बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे थे, मेरे को लगता है वो जो उनकी वो जो नंबर 3 और 4 की जो मूव थे गुजरात टाइटंस की, किसी ने भी वो काम कर गया, केन विलियमसन को ऊपर भेजा कोलैप्स के बाद, साई सुदर्शन अगेंस्ट स्पिनर्स और वहां उनकी बहुत कमाल की पारी आई बिल्कुल। स्कोर कार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं, जिस तरीके से रिद्धिमान साहा स्टार्ट बढ़िया नहीं देखे गए क्योंकि 13 गेंद खेले सिर्फ 11 रन बना के गए, लेकिन शुभमन गिल डटे रहे नाबाद 89 रन 48 बॉल्स पे, बहुत शानदार बल्लेबाजी, कप्तानी पारी खेले, केन विलियमसन का आज पहला ही मुकाबला था उस हिसाब से ठीक था, 26 रन बना के गए 22 गेंद में, पहला ही मुकाबला था, इन पर कोई भी गलती नहीं दी जा सकती है। साई सुदर्शन बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे थे, 19 गेंद 33 रन की पारी, एक अच्छा योगदान देखे गए, विजय शंकर हर बार की तरह एक बार और निराश किया, 10 गेंद 8 रन, हर बार सवाल खड़े होते हैं, जीटी के फैंस निराश रहते हैं, चाहते हैं कि आउट ऑफ पवेलियन जाए। राहुल तेवटिया 8 गेंद पर 23 रन, लगभग 199 का स्ट्राइक रेट, और इनके आने से ही जीटी के फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए, चाह रहे थे कि शंकर से पहले आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि साई सुदर्शन ने ये दिखा दिया कि वो धीरे भी खेल सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं, आप उनको कहीं भी पोजीशन में खिला लो, पिछली बार में कहीं ना कहीं आपको देखा था कि स्ट्राइक रेट कम था लेकिन वहां जरूरत थी कि लंबी कोई डीप पारी को लेके जाए तो वहां पे वो काम किया, यहां विलियमसन ने वो रोल निभाया तो उनको बोला कि साई सुदर्शन आप जाके खुल के खेलिए, 19 गेंद पे 33 रन, और ये दिखा दिया है, और यही ऐसा ही कुछ इन्होंने अपने डेब्यू में भी दिखाया था साउथ अफ्रीका सीरीज में, जब इन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया था वहां भी दिखाया था कि तेजी से खेल सकते, तो क्लास है इस खिलाड़ी में भी, अच्छी पारी खेली साई सुदर्शन ने, लेकिन वही सबसे बड़ी जो कंप्लेंट रहेगी वो विजय शंकर से रहेगी और गुजरात मतलब शुभमन गिल से भी रहेगी कि आप क्यों बार बार विजय शंकर को अपने, क्योंकि कैप्टन तो आप ही प्लेइंग 11 में रख रहे हैं, क्योंकि बार बार निराश कर रहे हैं, अभी तक 3-4 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने खेला है, कोई एक पारी मुझे नहीं याद है, पिछले 2023 में अगर बात करें बस एक शायद अर्शतक इनका आया था, बाकी सारी ही मुकाबले इनको जगह मिली थी, एक भी अच्छी पारी नहीं खेल गए थे, इवन जब इनकी विकेट गिरी थी मैं तो बहुत सेलिब्रेट कर रही थी, भाई फाइनली गए किसी तरीके से, मैं तो चाहती रन आउट हो जाए, कैच आउट हो जाए, बोल्ड हो जाए, बस ये क्रीज से जाए भाई किसी तरीके से, ताकि राहुल तेवतिया आए और एटलीस्ट किसी भी स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया है, राहुल तेवतिया ने 8 गेंद पर 23 रन बना के फिनिशिंग टच, और विजय शंकर पर सवाल रहे खलने वाली है विजय शंकर की, जो उन्होंने वेस्ट करी है ये कह दीजिए, लेकिन विजय शंकर का बल्ला अभी तक खामोशी रहा है। ओवरऑल बैटिंग देखेंगे, केन विलियमसन पर अगर नजर डालेंगे उनकी पारी थोड़ी अंडररेटेड रहने वाली है, साई सुदर्शन ने बहुत बढ़िया करी, गिल ने बहुत बढ़िया करी, लेकिन शुभमन गिल की इस बड़ी लंबी पारी में जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है आईपीएल 2024 का, उसमें केन विलियमसन का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा मानना है कि रिद्धिमान साहा की विकेट के बाद फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे शुभमन गिल की, यार वो
फिर हो गया, वो ओपनिंग कोलैप्स फिर हो गया। और उसके बाद जो शुभमन गिल और केन विलियमसन की पारी आई थी, वहां से प्रेशर छीना केन विलियमसन ने थोड़ा अपनी तरफ, उस पारी को वहां पे थोड़ा बैलेंस करके गए और फिर सब साई सुदर्शन आए तो क्लैरिटी थी कि हाँ अब हम कुछ कुछ ओवर्स जो है टारगेट कर सकते हैं। अगर वो 14वां या 13वां ओवर टारगेट करा भी, 10-14 रन वहां से आए भी और वो आज स्ट्रैटेजी वाइज चल रहे थे, तो केन विलियमसन की पारी भी बहुत कमाल की थी। बेशक कम रनों की थी लेकिन वो जो आपने गिल से प्रेशर लिया और उनको अलाउ करा कि आप लंबी पारी खेलिए और उसके बदौलत ही गिल 89 नॉट आउट खेल के गए 48 बॉल्स पर, 6 चौके 4 छक्के 185.48 अपनी क्वालिटीज दिखाते हुए, वही टेक्निकलिटी की महारत ही है और वही आज इन्होंने करके दिखाया। और सबसे कमाल की बात तो वही है, ओपनिंग करने आए थे, साहा के विकेट गिरी, बहुत सारे विकेट गिरी, जो भी आ रहा था उससे बातचीत करके चल रहे थे एज इफ ऑलरेडी प्लान स्ट्रेटजीज हैं, सब उनकी तरफ जा रहा था, उनको लगा ही था कि भाई हाँ यहाँ पे विकेट गिरने ही वाली है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, बट एवरीथिंग वॉज प्लान्ड जिस हिसाब से उनके गया। विजय शंकर थोड़ा डाउटफुल रह गए लेकिन फिनिशिंग हो गई, गिल आपके पास अंत तक थे, राहुल तेवतिया अपना काम करके चले गए, आज सबका ही कहीं ना कहीं कमबैक हो गया एक्सेप्ट विजय शंकर। एंड 198 अहमदाबाद की पिच में जहां पे अर्शदीप को स्विंग मिल रही थी, रवाड़ा को स्विंग मिल रही थी और डेथ ओवर में कहीं ना कहीं इनकी पिटाई बहुत ज्यादा हुई है, 19वां ओवर 20 रन, वहां गुजरात टाइटंस मेरे को थोड़ी अब आगे लगेगी। लेकिन बॉलिंग पर बात कर लेते हैं, भाई मेरे को रबाडा से एक्सपेक्टेशंस थी, रबाडा ने आपको 2 विकेट निकाल के दिए। स्टार्ट करते हैं हरप्रीत बरार से, भाई पावर प्ले में पहला ओवर डालने आए थे और कमाल की बॉलिंग करी, 8 की इकोनॉमी है, 1 विकेट लेके गए। अर्शदीप सिंह डिसेंट बॉलिंग मैं बोलूंगा जिस हिसाब से, मतलब विकेट की आज जरूर थी लेकिन आज अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर भी बढ़िया डाला, 2 चौके खाए जाते जाते अग्रीड, उसके बावजूद 8.2 की इकोनॉमी है और 6 कुछ की इकोनॉमी थी इस आखिरी ओवर से पहले, 33 रन का एक डिसेंट बोलिंग रबाड़ा, उन्होंने दो विकेट चटकाई, 11.11 की इनकी इकोनॉमी है, 44 रन का है। रबाड़ा से भी मैं सैटिस्फाइड हूं क्योंकि वो विकेट एटलीस्ट आपको देखे गए हैं। सैम करन मात्र 2 ही ओवर डलवाए, 9 की उनकी इकोनॉमी, 18 रन उन्होंने खाए। मेरा मानना है कि सैम करन और शुभमन गिल, वो एक ओवर था जहां पे सैम करन पहली बॉल डालने आए थे, शुभमन गिल हट गए थे क्रीज की तरफ से, फिर आई गेस वो आर्ग्यूमेंट हुई थी थोड़ी बहुत, शुभमन गिल कुछ कह रहे थे, सैम करन कुछ कह के चले गए, माइट भी आई एम रॉन्ग, क्या पता अंपायर से बातचीत कर रहे हो, लेकिन जब ऐसी चीजें हो जाती है ना फील्ड पे, जब 2 खिलाड़ी भिड़ जाते हैं तो उसके सामने आपको और लगाना चाहिए। और ऐसा 3 बार देखा जब शुभमन गिल हटे थे, 2 बार साइड स्क्रीन से और अगली बॉल पर फिर वो शुभमन गिल रन लेने आया तो सैम करन से अड़के खड़े भी हो गए। तो आई गेस वो जब ऐसा कुछ हो जाता है ना आपको उस चीज को यूज करना चाहिए, लेकिन सैम करन को फिर 2 ही ओवर करवाए। हर्षल पटेल भाई पिटाई हुई है, 1 विकेट लेके गए। सिकंदर रजा 2 ओवर उन्होंने डाले, 11 की उनकी इकोनॉमी, 22 रन उन्होंने खाए, एक्स्ट्राज 9। आई गेस बॉलिंग बहुत डिसेंट नजर आ रही है लेकिन वो शुभमन गिल की क्लास ही है, वो उनकी लंबी पारी की बदौलत है कि आप 199 के स्कोर तक चले गए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे डिसीजन पंजाब का एक अच्छा लगा वो ये है कि हरप्रीत बरार को जिस तरीके से जिम्मेदारी दे रहे हैं, पावर प्ले में आपने कहीं ना कहीं उनसे ओवर की शुरुआत की और उसके बाद जब हम एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अगर किसी टीम की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जाता है तो उसके बाद होता है कि कोचेस कॉर्नर होता है, जो कोच आते हैं वो बातचीत करते हैं खिलाड़ी से, खेमा आपका पूरा जुड़ता है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अगले आने वाले ओवर्स के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो हमने 2 देखे इनिंग्स में, दोनों के बाद तुरंत जो पहला ओवर डलवाया हरप्रीत बरार से डलाया, कहीं ना कहीं वो चीज उनके माइंड में थी कि अब जो है प्रहार करने जाएंगे बल्लेबाज, अब जो है कुछ रणनीति आई है गुजरात के खेमे से, आशीष नेहरा के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आया होगा तो अब जो है शायद अटैक करने जा सकते हैं, मोमेंटम अपनी तरफ लेने जा सकते हैं, क्योंकि जब टाइम आउट से पहले का जो ओवर था उससे पहले धीमी गाड़ी चल रही थी दोनों टाइम पे, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज चल रही थी जो है 52-1 थे, और वहां पर हरप्रीत बरार ने दोनों ही ओवर अच्छे भी डाले थे। पंजाब किंग्स 10वें 15वें ओवर तक भी सिर्फ विकेट्स के लिए देख रही थी, ये मेरे को उनकी बात नजर आई आज, और उन्हें पता था कि आज इनके पास मिलर नहीं है और फिनिशिंग वो फॉर्म में कोई बल्लेबाज नहीं है, वो फिनिशिंग कहीं ना कहीं लैक करेंगे तो सिर्फ विकेट सेम करते हैं। और सबसे बड़ा उनको पता था विलियमसन की पारी इतनी क्रूशल हो जाती है जब सामने वाली टीम अपनी बेस्ट ट्राई कर रही हो कि भाई विकेट्स लेने का, उन्हें पता है कि वो लूपहोल हो सकता है आपके लिए, वहां केन विलियमसन अड़ गए, टिक गए वहां पे, तो आई गेस वो आउटप्ले कर गए केन विलियमसन, उनकी पारी अंडररेटेड जरूर रहेगी, और वहीं वो आउटप्ले कर गए, वहां विकेट नहीं दी, साई सुदर्शन ने आके आपकी नेट रन रेट ठीक कर दिया और 152 for 1 थे आप पावर प्ले में, फिर केन विलियमसन भी आउट हुए, साई सुदर्शन भी आउट हुए, उसके बावजूद आप 199 गए, तो आज आउटप्ले जरूर पंजाब किंग्स ने कोशिश करी, स्ट्रैटेजीज क्लियर थी जिस हिसाब से फॉर्म चल रही थी सिटी की, बट वही है गिल चल गए, बैलेंस आ गया। आज गुजरात टाइटंस की भी बैटिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी, उनके पास भी क्लैरिटी
क्वालिटी थी। और कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब नहीं रही किसी भी गेंदबाज की, 11-12 इसके इससे ऊपर किसी भी गेंदबाज की नहीं, तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी में बैलेंस नजर आया। वो तो शुभमन गिल की वो पारी थी जिसकी बदौलत इतना बड़ा स्कोर बन पाया। इकोनॉमी अगर नजर डालेंगे, बाकी मैचेस की बात करें, हमने देखा 13-14-15 से ऊपर जाती जाती इकोनॉमी देखी है, यहाँ पे एटलीस्ट वो गेंदबाजों का बैलेंस नजर आया। बिल्कुल बैलेंस बहुत शानदार नजर आ रहा था, मतलब 11 से ज्यादा किसी की भी इकोनॉमी नहीं है। हमने इसी आईपीएल में देखा 17-18 की भी इकोनॉमी रही है गेंदबाजों की, तो ओवरऑल सभी गेंदबाजों ने बढ़िया किया, लगाम लगा के रखा है। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है वो एक कारण रहा है कि 199 रन बना ली जीटी और 200 का टारगेट दिया है पंजाब को, तो पंजाब को अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से कुछ दमखम दिखाना होगा अगर ये मुकाबला जीतना है, क्योंकि यहां से मुकाबला जीतना पंजाब के लिए आसान नहीं होगा, काफी टफ होने वाला है, क्योंकि हाईएस्ट टोटल है सीजन का। मतलब मैंने यही बोला था कि आज लो स्कोरिंग पे आप नहीं कर पाओगे डिफेंड, आज आपको बढ़िया स्कोर बनाना पड़ेगा। तो श्वेता ने बोली थी भाई, मतलब मैं तो मानती हूँ कि भाई 150 भी बना दे तो भी आपके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तो वो एडवांटेज अब और एड ऑन देगा गुजरात टाइटंस को। अब तो टारगेट भी आपके पास, बढ़िया इनफॉर्म बॉलिंग लाइनअप भी आपके पास, और एडिंग ऑन एक और पॉइंट भाई, रबाडा और अर्शदीप जो पावर प्ले में उन्हें स्विंग मिल रहा था, वहां गुजरात टाइटंस कैसे यूज करने वाले हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां वहां हरप्रीत बरार इकोनॉमिकल थे, एक विकेट भी लेके गए, आपके पास राशिद खान की क्वालिटी है, बिल्कुल क्वालिटी तो अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है गुजरात। और अभी तो, और अभी तो मुझे लगता है कि राशिद खान के ऊपर एक एड ऑन भी है नूर अहमद का, जो कि अफगानिस्तान से, अजमतुल्ला ओमर जई भी पेसर है आपकी, वो भी अच्छी बॉलिंग इस समय कर रहे हैं, क्योंकि बैटिंग में तो उनका नंबर आया नहीं, उनका क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 विकेट ही गिरे आपके, लेकिन अब बॉलिंग में वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। फिर मोहित शर्मा को आप एज इंपैक्ट प्लेयर लेकर आओगे, अभी तक बाहर थे वो, लेकिन अब आप सहज सुदर्शन को वो सब्स्टिट्यूट करोगे और मोहित शर्मा को लेकर आओगे, वो भी बहुत अच्छे, मतलब डेथ में कितनी कमाल की बॉलिंग करते हैं। तो बॉलिंग बैटिंग अगर आपकी इन्फॉर्म नहीं थी, लेकिन बैटिंग में आज मोमेंटम है आपके पास, बैटिंग में आप चल गए हो। अब मुझे लगता है कि 190-200 तो बनाना वैसे पंजाब किंग्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुजरात टाइटंस के सामने बनाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं ओपनर में से किसी एक खिलाड़ी को, किसी को रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी कि 70-80 रन की पारी खेलें, या तो फिर दो खिलाड़ी मिलके जो है एक खिलाड़ी हाफ सेंचुरी बनाए, दूसरा खिलाड़ी अच्छे रन रेट से हाफ सेंचुरी बनाए, फिर बाकी खिलाड़ियों का 20-30 रन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तब जीत पाएंगे। क्योंकि एक हाफ सेंचुरी से तो यहाँ जीतना मुश्किल है, कम से कम दो खिलाड़ियों को हाफ सेंचुरी बनाना होगा, या एक खिलाड़ी बढ़िया 80-90 रन की पार्टनर। मेरे को लगता है वो जो आप हाफ सेंचुरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं मिडिल ऑर्डर से या लोअर ऑर्डर में, बैटिंग बहुत बढ़िया है पंजाब किंग्स के पास, लेकिन बैक फुट पर जरूर है, ये चीज भी कंसीडर करनी पड़ेगी। सामने बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मेरे को लगता है स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बेस्टो और शिखर धवन, शिखर धवन बहुत कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, और साथ में बेस्टो का पिछले मैच वो जो चेरी ऑन द केक कमबैक आया है, कुछ 20-27 रनों की पारी खेलती विद गुड स्ट्राइक रेट, वो आज एड ऑन कर सकते हैं। तो आप 6th ओवर में कहां लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर ओपनर्स की पार्टनरशिप होगी 60-70 रन की, तब भी वो इनफ होगा अगर अच्छा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से होगा 60-70 रन की। और मुझे लगता है पंजाब किंग्स के लिए यहां से पता क्या है, क्योंकि केन विलियमसन ने क्या करा, केन विलियमसन स्टार्टिंग से थे कि यार इसको खींचो, हम एंड तक जाएंगे, हम अच्छे स्कोर पे एंड करेंगे। शुभमन गिल को पता लग गया था कि भाई मैं एंड तक जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं 200 भी आ रहे हैं। और आज मेरे को लगा कि स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि भाई गुजरात टाइटंस ना कुछ बहुत बड़ा टारगेट चेज नहीं करी थी, उन्हें पता था पिच कैसे बिहेव करने वाली है, किसको क्या मदद है, तभी सारे बॉलर्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी है, तो बहुत प्लान्ड और बहुत स्ट्रेटेजिकल चल रहे थे। आई गेस वही अब बॉलिंग में करना है गुजरात टाइटंस को, उन्हें पता है भाई कहां पे आपको कौन मदद दे सकता है। पंजाब किंग्स अगर आपको बाय एनी चांस चेस करना है, मेरे को लगता है आप इसे 20वें ओवर तक के ले जाने के तक के लिए खेलिए, बिल्कुल कम से कम पर रोमांच बना रहे मुकाबले का, में स्विंग भी मिलेगा, बीच में आपके पास नूर अहमद है, राशिद खान है, क्वालिटी दोनों स्पिनर्स है, मोहित शर्मा है, गेंद और मोहित शर्मा डेथ ओवर में, बट आई फील 20वें ओवर तक ले जाओ ये गेम। बाय मुझे लगता है कि पंजाब को कहीं ना कहीं गुजरात के खेमे से वो एक बॉलर ढूंढना पड़ेगा जिसके ये पीछे लग सके, उसके 4 ओवर में कहीं ना कहीं प्रहार करने जा सके, या तो वो उमेश यादव हो सकते हैं या दर्शन नालकंडे, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है एक बॉलर आपको ऐसा चुनना पड़ेगा जिसपे आप प्रहार कर सके, क्योंकि बाकी अगर देखेंगे तो क्वालिटी है। मोहित शर्मा की बात करें, वो इतनी ज्यादा पेस नहीं देते हैं, बिल्कुल पेस आप उसका यूज नहीं कर सकते, और शिखर धवन बेरस्टो दोनों को पेस, बिल्कुल, और राशिद खान के आगे अगर आप प्रहार करेंगे तो विकेट गवा के जाएंगे, ये तो ज्यादा आप प्रहार नहीं करते, ये ओवर में एक या दो गेंद पर आप कर दिए, 3 गेंद पर कर दिए, लेकिन हर एक गेंद पे आप सोचे कि आप प्रहार कर रहे हैं तो फिर आप विकेट गवा देंगे, जिस तरीके के वो गेंदबाज है, जिस तरीके से स्पिन फेंकते हैं वो। सब्स्टिट्यूट भी यूज हो चुका है, राहुल तवतिया को सब्स्टिट्यूट किया और मोहित शर्मा को लेकर आए, मोहित शर्मा आ चुके, बिल्कुल। लेकिन मैं दर्शन नालकंडे की बात करी, वैसे तो बहुत क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी है गुजरात की बॉलिंग लाइनअप पे, लेकिन हमने देखा था पिछले मुकाबले से दर्शन नालकंडे को लेकर आए थे, पिछले मुकाबले सिर्फ एक ओवर ही डलवाया था उनसे, दो अब वो डिपेंड, हाँ एक या दो, एक डलवाया था शायद, अब वो डिपेंड करते हैं कि आज कितने ओवर डलवाते हैं दर्शन नालकंडे से, दो डलवाते हैं, तीन, या फिर पूरे ही डलवाते हैं,
वो चीज देखने वाली क्योंकि क्या शुभमन गिल की स्ट्रेटजी होती है आज? वो डिपेंड करता है कि बाकी गेंदबाज कैसा फेंकते हैं, आपको जरूरत पड़ती है पूरे ओवर डलवाने की या नहीं पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे बैटिंग में तो शिखर धवन का मुझे लगता है चलना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई कंसिस्टेंट रहा है पंजाब की तरफ से तो शिखर धवन ही रहे हैं। वही है, मेरे को लगता है नॉट जस्ट धवन, धवन को तो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, उनके बिना तो शायद ही कुछ हो रहा है। बट पिछले में भी धवन चले थे, जब तक वो थे तब तक जीत रही थी, जैसे ही धवन आउट हुए सडनली कोई दिखाई नहीं लीड लेने वाला कि हाँ भाई मैं आपको मुकाबला जितवाता हूँ। हारे थे 20 रन से कुछ, हारे थे आई गेस, तो आज इंपॉर्टेंट रहने वाला, टारगेट बहुत बड़ा है। अगर आप ये चेस कर रहे हो भाई, पंजाब किंग्स ने बड़े बड़े टारगेट पिछले सीजन भी चेस करे हुए, आई गेस चेन्नई के अगेंस्ट ही एक चेस करा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा है, चेस कर देते तो बहुत बड़ा। शिखर धवन की पिछली जो मैच की जो पारी थी उसके बारे से लग रहा था पंजाब ने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने गिव अप कर दिया था, तो आज भी देखने को मिला। ऋषभ यहां तक कोई मुकाबला जिता भी सकता है, तो शिखर धवन या बेस्टो ने कोई, इन दोनों में तो पहली गेंद उमरजाई की बिल्कुल एक सिंगल गेंद तो बहुत बढ़िया डाली थी, एक रन, चलिए खाता तो खुल गया। चलो एक रन तो आया पहली गेंद से, डॉट तो नहीं गई, देखना होगा कि आगे इस ओवर से कितने रन आ सकते हैं। बॉलिंग बहुत कमाल की है, बढ़िया बढ़िया स्पिनर्स आपके पास है, विकेट टेकिंग स्पिनर्स आपके पास, बिल्कुल विकेट टेकिंग स्पिनर्स आपके पास हैं, स्पेसर्स आपके पास बढ़िया है, मोहित शर्मा आपके पास है, तो गेंदबाजी तो बढ़िया और बल्लेबाजी से बढ़िया करके गई है गुजरात। यस, और अगर एंड तक भी ले जाते हैं, मेरे को लग रहा है पंजाब किंग्स अगर आपको 20वें ओवर की सोच रखते हो तो यार है आपके पास नीचे फिनिशर्स, सैम करन है आपके पास, वो भी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा विकेट्स ना खोए, क्योंकि प्रेशर आ जाएगा तो एग्जैक्टली भाई जो मैं वही कह रहा हूं, गुजरात टाइटंस की विकेट तो गिरी है लेकिन किस स्पैन ऑफ टाइम में गिरी है, क्योंकि उन्हें पता था, अवेयर थे वो कि हम ऐसा में ऐसे चलना है, हमें पता है कि यहाँ विकेट आनी है, लेकिन हर स्टेप के लिए प्लान थे। मेरे को लगता है अगर वो रिद्धिमान साहब गुजरात और गिल अच्छी स्टार्ट भी देते तो शायद केन विलियमसन वहां पे वहां उस पोजीशन पे ना आते, तो चार नंबर पे आते माइट बी, बट फिलहाल बेस्टो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सैम करन बेशक मिडिल ऑर्डर में पिछले मुकाबले में आउट हुए थे लेकिन उससे पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गए थे, दूसरी गेंद और चौका, नहीं नहीं मिसफील्ड हो गई और ये महंगा पड़ जाएगा चार रन। मानूंगा गेंद बहुत अच्छी थी, गेंद अच्छी बढ़िया नहीं की गई, बहुत आसान मतलब आसानी से वो पकड़ सकते थे गेंद को और कंट्रोल में नहीं रहा, मिसफील्ड हो गया वरना तो फिर चार नहीं जाता। बिल्कुल गिल की भी एक एज आया था, गिल का ही स्टार्टिंग पावर प्ले में, लेकिन वहाँ पे स्लिप मौजूद नहीं थी, यहाँ पे वो गलती नहीं कर रही गुजरात टाइटंस, ये बॉल पहली बाहर जाती है और दूसरी अंदर आती है, क्या बात है, दोनों स्विंग दिखा रहे, आउट स्विंग भी दिखा दी, इन स्विंग भी दिखा, पहली इनिंग से हल्की ज्यादा ही लग रही है मुझे। बिल्कुल रिद्धिमान साहा को जिस हिसाब से आउट करा भाई, वो अंदर आती हुई परेशान हुए, रिव्यू लिया, बच गए फिर बेहतरीन, और बाउंस भी है, और ये जॉनी बेस्टर को परेशान भी करती है थोड़ी स्विंगिंग डिलीवरीज और स्टंप्स की गेंद। बिल्कुल इन स्विंग से कहीं ना कहीं परेशान तो होते हैं बेस्टर, वही रिद्धिमान साहा है इनके भी और ये चौथी गेंद डाल रहे हैं उमरजई, क्या होगा इस गेंद का नतीजा, देखने लायक बात होगी क्योंकि बेस्टर स्ट्राइक पर है। बिल्कुल ओ एक और लहराती हुई गेंद, लहरा दी और पार है, पार है ये गेंद, चार क्या बात है, गुड शॉट, पहले ओवर में 9 रन हो गए, दो गेंद भी बची, कोई नहीं छोटा अभी तो इतना ही टारगेट है, कोई बात नहीं, स्टार्ट पहला ओवर तो ठीक है अभी। और लहर रही अभी तो बॉल, टिपिकल अहमदाबाद वाली पिच तो नहीं है, लेकिन इस पे भी 199 मारना तो नहीं, ये तो कलाई से लहराई है ना, ये पिच की मदद नहीं ली गई इसमें। बहुत बढ़िया प्लेस किया है बेस्टो ने गेंद को, और ये है सेकंड लास्ट बॉल ओवर की, चलिए बेस्ट हो अब बाहर खड़े क्रीज के, बिल्कुल चलिए, तो वही है कि स्विंग को, स्विंग का काटने का प्रयास है, तो स्विंग मिल रहा है तो स्विंग को काटना चाहते हैं, काटने का प्रयास है, गेंद बाउंड्री के बाहर, तो मुझे लगता है राशिद खान का प्रयास था, राशिद ने भी गिव अप कर दिया, हार मान लिया राशिद खान ने, और एक और चौका, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 3 चौके आ चुके हैं, बड़ी बात है, माइंडेड गुजरात मतलब पंजाब किंग्स की फील्डिंग बहुत बढ़िया, बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है यहाँ पे बेस्ट का की जी, रन बड़ा है, टोटल स्कोर बड़ा है और बाहर चलना पड़ेगा, इनके बिना फिर मुफई है, ओपनिंग के बिना दिक्कत भी है, कितनी भी डेप्थ हो आपके पास बैटिंग की, वो स्टार्ट तो आपको चाहिए, दो तो चेस करना है, तो बल्लेबाजी ऐसी ही करनी पड़ेगी कि आपके पास पावर प्ले में कम से कम 15 रन 13 रन 20 रन बनाइए। बिल्कुल 3 चौके फिलहाल आ चुके हैं, आखिरी गेंद उमरजई का, क्या लगता है देवांशु जी, कम बैक आ रहा है कुछ, अब तो क्या ही कम बैक भी आ जाएगा, तो 13 रन पर्याप्त है, लेकिन ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया कम बैक आ गया,
वही है, आपने स्टंप की जब लाइन पकड़ी तो सीधा जो है आपको रिजल्ट भी देखने को मिल गया बेस्टो के आगे। बिल्कुल, फिलहाल आपको बता दें कि पहला ओवर हो चुका है और 13 रन आ चुके हैं। पहला ओवर डाल था अजमतुल्ला उमरजई ने, बेस्टो ने उन्हें एक ही ओवर में 3 चौके लगा दिए। अब देखना होगा कि इस खेल का नतीजा क्या होता है, गुजरात टाइटंस जीती या फिर पंजाब किंग्स। आपसे मुलाकात होगी जब ये मुकाबला खत्म हो जाएगा तब, या फिर जब बहुत रोमांचक होगा गेम तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस लाइव में हमारी तरफ से इतना ही। देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से। बाय बाय।